इस सूप की स्पेशल बात जो है वो ये है कि भाईजान ये है बटेर का सूप। सूप की थिकनेस आप देखें यहाँ पे यार, मतलब गाढ़ा सूप है ये बटेर जो है वो परिंदा है बटेर, और इसका जो है वो सूप यहाँ पर दस्तयाब है। ये देखें आप, पूरा एक बटेर जो है वो एक थैली के अंदर चला जाता है। सूप के साथ पापड़ी भी है, पापड़ी के साथ चटनी भी है, मसाले भी हैं और नवाजमात भी हैं। और सर्दियों का जो तोड़ है ना वो है अंडा। अंडे जो है ना वो तो मतलब जान है सबकी यार, मतलब भाई जो है वो इस सूप की स्पेशल बात जो है वो ये है कि भाईजान ये है बटेर का सूप, बटेर की यखनी और चिकन कॉर्न सूप एक साथ। बटेर आपने देखी होगी, एक छोटा सा परिंदा होता है बटेर, और बटेर जो है उसका यहाँ पर सूप दस्तयाब है। और बहुत लोग जो है वो शौक से पीने आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली गर्म होता है, सर्दी के अंदर जो है बड़ा बेनिफिशियल होता है। लोग बड़े दूर दूर से जो है वो सूप पीने के लिए आते हैं। तो अब ये बना हुआ तो पहले से होता है, लेकिन हम आपको मतलब यहाँ पे सूरत हाल सारी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर लोगों का रश है, और किस तरह से जो है वो सूप निकाला जा रहा है, और साथ में जो है वो कोशिश करेंगे कि हम इसको टेस्ट करके आपको रिव्यू भी बताएं। तो भाई सर्दियों का मौसम है, आ जाओ और छा जाओ बटेर के सूप पर। तो भाई यहाँ पर बटेर के सूप के साथ साथ चिकन कॉर्न सूप भी जो है वो दस्तयाब है। अगर बटेर का सूप पीना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चिकन कॉर्न सूप भी यहाँ पे पी सकते हैं। और सूप की थिकनेस आप देखें यहाँ पे यार, मतलब गाढ़ा सूप और यहाँ पर आवाम का जम्मे गफीर भी है। हालाँकि अभी जो है वो लेट नाइट का वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो सूप के लिए यहाँ जमा है। क्योंकि कराची में सर्दियाँ बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आती हैं, लेकिन आती तो हैं, और जब आती हैं तो जो है वो सूप यहाँ पर दस्तयाब हो जाता है। अच्छा, साथ में आपको दिखाएंगे बटेर जो है उनका ढेर लगा हुआ है यहाँ पर माशाल्लाह। ये बटेर जो है वो परिंदा है बटेर, और इसका जो है वो सूप यहाँ पर दस्तयाब है। ये देखें आप, पूरा एक बटेर जो है वो एक थैली के अंदर चला जाता है, और इस तरह से जो है वो यहाँ पर सूप तैयार किया जाता है। ये आपको मैं दोबारा दिखा दूँ कि ये जो परिंदा है बटेर, ये बड़ा गर्म तस्वर किया जाता है, और सर्दियों के अंदर जो है वो अक्सर वो बेशतर लोग इसको खाना भी पसंद करते हैं, इसका सूप भी पसंद करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने आपको बटेर का बारबेक्यू भी दिखाया था, और इस वक्त जो है वो यहाँ बटेर का सूप भी है, साथ में सूप के साथ पापड़ी भी है, पापड़ी के साथ चटनी भी है, मसाले भी हैं और नवाजमात भी हैं, और लोग जो है वो जूक दर जूक इस सूप के लिए यहाँ पर आते हैं। और मज़ीद आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं, ये दो भाई जो हैं हमारे बटेर का सूप पी रहे हैं। क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि सूप पीने के लिए आए हो, कहाँ से आए हो? औरंगी टाउन, 11:30। औरंगी टाउन से बटेर का सूप पीना है? मतलब आते रहते हो या आज? हर हफ्ते आते हो। अच्छा कैसा लगा सूप तुम? सूप तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बताओ ना क्या ख़ास बात है इतनी दूर से जो आते हो सूप पीने के लिए? बस ऐसे ही आ जाते हैं, दूर भी है, सफ़र भी है, मज़ा आता है पीने में। अच्छा तो ये किस तरीके से, दिखाओ ज़रा एक मिनट बेटा, डाउट रोशनी के आगे सेट हो, दिखाओ ज़रा प्लेट उठा के दिखाओ जाने के बाबा लेके आए बड़े। तो जी ये देख रहे हैं आप, ये बटेर का सूप है, और ये भाई भी बैठे हुए। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? शर्जील। शर्जील कहाँ से आए हो? 11:30 के बाद औरंगी टाउन से। तुम भी आए हो, कोई ख़ास बात है इतनी दूर जो है वो सूप पीने के लिए आते हो? अच्छी है, हर हफ्ता आते हैं हम लोग। अच्छा चिकन का सूप पिया है कभी? जी। चिकन और बटेर में क्या फ़र्क नज़र आता है तुम्हें? फर्क अच्छा लगता है ये, इसीलिए आते खाने में। गर्म है जी। चले भाई, बड़ा गर्म सूप है, और ये दोनों भाई जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, और मज़ीद जो है वो यहाँ पर लोग हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी सारा है यहाँ पर। लोग जो है वो जैसे जैसे रात ज़्यादा होती जाती है तो लोग सूप पीने के लिए आते जाते हैं। और यहाँ पर आपको देखें, सर्दियों का जो तोड़ है ना वो है अंडा।
अंडे जो है ना वो तो मतलब जान है सबकी यार, मतलब मैं मुझे भी अंडे बहुत पसंद है। भाई जो है वो अंडे वाली अपनी जगह दो, क्या बात है यार। खाई गई तो मसाला डाल, मसाला वो डाल, मसाला थोड़ा डाल, हमारा फोकस तो बटीर की यखनी के ऊपर, जो कि एक स्पेशल आइटम कराची वालों। पटेर का सूप जो है वो यहाँ पर दस्याब है और यहाँ पर अकरम भाई मौजूद हैं। अकरम भाई जो है वो यहाँ पर ख़ास से जिससे जो है पटेर का सूप, अच्छा पटेर का सूप जो है ना वो ट्रेडमार्क है यहाँ का। अगर आप कराची में किसी से भी कहेंगे कि जी पटेर का सूप कहाँ मिलेगा, वो आपको सीधा बताएगा कि जी आप नाजमाबाद पापोज चले जाएँ और वहाँ फाटक के पास जो है वो आपको पटेर का सूप दस्याब होगा। हम अकरम भाई से बात करेंगे। अकरम भाई जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ जो है वो सूप खेल कर रहे हैं। अकरम भाई मुझे ये बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे सूप? माशाल्लाह 20-22 साल हमको यहाँ पर हो गया है और अच्छा रिस्पॉन्स है, माशाल्लाह अच्छा सूप बेचते हैं हम लोग, साफ सुथरा। अच्छा मुझे बताइए मतलब पटेर का सूप कैसा आइडिया है आपको ना, मतलब कराची में बहुत कम जगहों पर जो है उस तरह का सूप मिलता है। यहाँ परिंदे पालने का शौक है, मैंने सोचा कि बटेर जो है फ़ायदेमंद चीज़ है, इसलिए बटेर का सूप लगाया जाए। बाकी तो कराची में चिकन और ये तो बिक ही रहा है, हमने बोला बटेर का सूप लगाया तो लगाया तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस है और इसमें फ़ायदे भी बहुत हैं, ताकतवर चीज़ है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि मतलब कितना मैंने देखा बड़ा खासा रश है यहाँ पर अभी, हालाँकि रात भी पड़ी है काफ़ी, तो कितना जो है लोग पसंद करते हैं? बहुत, मतलब 90% लोग इसको पसंद करते हैं, बच्चे भी बुजुर्ग भी लेडीज़ भी इसको पसंद करते हैं। अच्छा अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो उसका एड्रेस बता दें थोड़ा? बिल्कुल आसान पता है, यह अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, इसके बराबर में रेलवे क्रॉसिंग के पास ही हमारा ये है, इसका एड्रेस नाजमाबाद पापोज नगर 5 नंबर। अच्छा अगर कोई बटेर का सूप ना पीना चाहे तो चिकन कॉर्न भी है? हाँ चिकन कॉर्न सूप भी है, स्पेशलिटीज रखी है ना, इसके अलावा पार्सल का भी इंतज़ाम है।
जो यहाँ ना पीना चाहे पार्सल घर वालों के लिए ले जाए। अच्छा मुझे बताएं अगर भाई के टाइमिंग्स क्या है अगर कोई आना चाहे। टाइमिंग भी 7 बजे से शाम और रात को 3 बजे तक। 7 बजे से जी हाँ रात 3 बजे। अच्छा कराची वालों को क्या कहना चाहेंगे जो अब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे, दूर दूर भी लोग रहते हैं काफी। जी हाँ मैं इनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आएँ और ट्राई करें, इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, ताकत भी होगी और अच्छा भी लगेगा। अच्छा भाई कराची वालों मैं तुम्हें बता दूँ कि बटेर का सूप जो है वो इस सीज़न में बड़ा बेनिफिशियल है, गर्म भी है और आपके एक्सेस में भी है और सस्ता भी है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल आएँ और 7 बजे से रात को 3 बजे तक किसी भी टाइम आपको मौका मिले आप आकर ये सूप ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। तो मैं जा रहा हूँ सूप पीने, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।